अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास मुर्गे या कोई फार्म है तो किस तरीके से मुर्गे को अंडा आप लोग रख सकते हैं और रखने का तरीका क्या है। ये बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन कोई अलग अलग तरीका है, किसी तरीके से भी आप रख सकते हैं। लेकिन आज हम खुद जो तरीके से रखते हैं तो उस तरीके से वीडियो में हम दिखाएंगे, देखो किस तरीके से हम लोग रखते हैं। देखो पहले से कोई ऐसा चीज़ ले लो ताकि उसमें मुर्गी सही तरीके से बैठ जाएगी। देखो मैंने जैसे ये मुर्गी लिया और उससे पहले मैंने अंडे लिया, घास लिया, घास उसमें बेचाया, तो उसके बाद जो मैं जैसे अंडा रखा है मुर्गी ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद जो है ना आगे अंदर कर रहा है। तो इस हिसाब से ये जितने भी अंडे हैं तो वो जो है ना अंदर करेगा। देखो अभी इसका 12 दिन तकरीबन हो चुका है, तो अभी हम टेस्ट करेंगे इसमें ख़राब कौन सा है, सही है, मतलब कौन सा इससे बच्चे निकलेगा और किससे नहीं निकलेगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, लेकिन इसका 3 दिन बाद भी पता चल जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो इसकी वजह से 12 दिन हो गया। लेकिन 2-3 दिन बाद में आराम से पता चल जाता है क्या यार ये ख़राब है ये सही है। एक तो पुराना अंडा बिल्कुल नहीं रखो, अगर 7-8 दिन होगा तो वह अंडा बिल्कुल नहीं रखो, दूसरा फ्रीज़र वाला अंडा भी बिल्कुल नहीं रखो। अभी ये देखो ये अंडा बिल्कुल ख़राब है, इससे बच्चे नहीं निकलेगा, चूजा इससे नहीं निकलेगा। तो अब इसको क्या करेगा, इसको बिल्कुल फेंकेगा इससे, कि अभी इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल देखो इसमें रोशनी बार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इससे बच्चा नहीं निकलेगा और यह अंडा ख़राब हो चुका है। तो इससे इसके बाद हम दूसरा अंडा उठाएगा। चेक करने का तरीका यही क्या, एक मोबाइल ले लें, मोबाइल के ज़रिए या कोई टार्च ले लें उसके ज़रिए। अभी ये देखो इस बिल्कुल ये हो चुका है, इसमें मतलब ये है कि इसमें बच्चा बिल्कुल सही, लेकिन अभी मोबाइल के कैमरे में सही नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बाकायदा इसमें जो चूज है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है बिल्कुल सही। और अभी दूसरा हम देखते हैं जो जिससे बच्चा नहीं चूजे निकलने वाले, तो हम उसको फेंकेगा और बाकी जो सही है रखे, क्योंकि उसने ऐसे खाम खा जगह मन किया होगा तो ये भी सही है। तो ये इसमें मेरे ख़्याल से मैंने 7 का 8 अंडा रखा था, तो उसमें ये एक तो ख़राब हो चुका है और दूसरा भी सही है। मेरे ख़्याल से ये भी अच्छा है सही है, हाँ इसमें चूजा बिल्कुल हो गया। अभी इसका थोड़े दिन बाकी है, इसका चूजा बिल्कुल निकल जाएगा या भी इसको चेक करेगा, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ये तो ये चेक करने के तरीके बिल्कुल ये इस तरीके से जो है ना आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी ये दोबारा हम लोग को जो है ना दोबारा रखते हैं, देखो ये वाला, हाँ ये भी बिल्कुल सही है माशाल्लाह, ये बाकी सारा बिल्कुल पैक्ड है, लेकिन वो एक सिर्फ ख़राब था, वो भी उस वजह से ख़राब था, उसका मतलब दिन ज़्यादा हो गया था, जब 5-6 दिन हो जाता है उसके बाद जो है ना नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो फिर रखने का उसका कोई फायदा नहीं। तो ये वाला हम लोग बिल्कुल बाहर फेंकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें रोशनी बिल्कुल बाहर हो जाता है। अभी इसका तकरीबन 16-17 दिन हो चुका है सही है। तो अभी इसको हम देख रहे हैं कि अभी इसका क्या पोजिशन है, तो इसने मेरा ख्याल से अभी आवाज़ ही भी आ रहा है चूज़ का, इसने मेरे ख्याल से एक चूज़ा निकाला बाकी अंडे पड़ा है, एक चूज़ा इसने बिल्कुल जो है ना निकाला बाकी अंडे पड़ा है, तो ये भी मतलब 2-3 दिन बाद निकल जाएगा। देखो एक और भी निकाला, अभी दूसरा दिन हो गया, तो एक चूज़ा और भी इसने निकाला है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं और अंडे रख सकते हैं। अभी देखो फाइनली पूरा चूज़ा निकल चुका है।